लोग घरों में रहें, लॉकडाउन की पासदारी करें, महफूज रहें, इसके लिए चूरू एसपी ने शानदार तरीका निकाला है। लोगों को मसरूफ रखने और जरूरी जानकारियां देने और एंटरटेनमेंट के लिए फेसबुक का सहारा लिया है। हर दिन शाम 5 बजे एसपी तेजस्विनी गौतम की फेसबुक पेज पर फिल्म, खेल, म्यूजिक, डांस और योग के शोबों से जुड़ी जानकारियां एक्सपर्ट देते दिखाई देते हैं। एसपी की ये पहल अब इतनी असरदार होने लगी है कि फिल्म अदाकारा दीपिका पादुकोण खुद अब एसपी की फेसबुक पेज पर लाइव आने वाली हैं। कोरोना के इन्फेक्शन को रोकने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में चूरू के एसपी ने लोगों को घरों में रहने के लिए शानदार तरीका निकाला है। एसपी तेजस्विनी गौतम के फेसबुक पेज पर शाम 5 से 6 बजे तक फिल्म, खेल, म्यूजिक, डांस और योग के शोबों से जुड़ी हस्तियां और मोटिवेशनल स्पीकर लाइव होते हैं। इस वजह से सभी लोग इस पेज से शाम को जुड़ जाते हैं और घरों से बाहर नहीं निकल रहे। पेज पर शाम को करीब 40 से 50 हजार लोग अपने घर बैठकर इन बड़ी हस्तियों से सवाल जवाब करते हैं। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि उन्होंने ये पहल शुरू की जिस वजह से शाम को करीब 2 घंटे तक सभी लोग अपने घरों में इस पेज पर लाइव रहते हैं। इसके लिए हमने अपने चूरू पुलिस के जो ऑफिशियल फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल्स पे ये कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हम 5 से 6 लाइव सेशंस रखते हैं किसी सेलिब्रिटी एक्सपर्ट के जो डिफरेंट फील्ड से हैं। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि अभी तक उनके फेसबुक पेज पर सूफी म्यूजिक रूहानी सिस्टर डॉक्टर जागृति लूथरा, डॉक्टर नीता पांडे, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट महकमे के सेक्रेटरी और योग एक्सपर्ट डॉक्टर कृष्ण कांत पाठक, हेल्थ फाउंडर प्रिया प्रकाश, मौसीकार इकराम राजस्थानी समेत कई एक्सपर्ट शामिल हो चुके हैं। आज शाम को 6 बजे पंजाबी सिंगर अशोक मस्ती और कल शाम को 5 बजे रॉक बैंड संविदा के लीड सिंगर सुमित शर्मा जुड़ेंगे। अशोक मस्ती जो पंजाबी सिंगर हैं, गार्गी मलकानी जो पंडित बिरजू महाराज की कथक की डिसाइपल रह चुकी हैं, सुमित शर्मा जो एक इंटरनेशनल बैंड चलाते हैं उनका परफॉर्मेंस बाकी है, और इकराम राजस्थानी जो हमारे राजस्थान के फेमस पोएट और सिंगर हैं उनका भी राजस्थानी वोकल पे उनका सेशन अभी बाकी है। इतना ही नहीं, लाइव सेशन में मशहूर हस्तियां कोरोना से लड़ने की टिप्स भी देती हैं। पद्मश्री पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझरिया ने बताया कि उन्होंने ओलंपिक के लिए 12 साल का इंतजार किया। क्या कोरोना को भगाने के लिए लोग कुछ दिन घरों में नहीं रह सकते हैं? थिएटर एक्सपर्ट अतुल सत्य कौशिक ने कहा कि लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, खुद को फिट रखें। काफी लोगों की तरफ से हमारे पास आ रही हैं मैसेजेस कि वो भी इससे जुड़ना चाहते हैं, और मेरा सेशन आज है, उसके बाद हम लोग और भी काफी मोटिवेशनल स्पीकर जैसे एन रघुरामन सर जो हमारे कॉलमनिस्ट हैं उनको भी हम ला चुके हैं। एसपी तेजस्विनी गौतम के मुताबिक लॉकडाउन में हमने तय किया है कि सेशन को आगे तक बढ़ाया जाएगा, इसलिए फिल्म एक्टर दीपिका पादुकोण, पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा, एक्टर पंकज त्रिपाठी, महिमा चौधरी, लारा दत्ता समेत 16 लोगों से बातचीत हो चुकी है। सिंगर अनामिका से भी बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा तेजस्विनी गौतम ने बताया कि उन्होंने 12 अप्रैल से एक ऑनलाइन कॉम्पिटिशन भी रखा है जिसमें पेंटिंग, म्यूजिक और गीत शामिल हैं। इन कॉम्पिटिशन के जरिए भी अभी तक 4 से 5 हजार लोग उनसे जुड़ चुके हैं। अब इस मुकाबले में नई मुहिम और छेड़ी जा रही है, चूरू फिट है। इसमें जो लोग योगा कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, उस तरह की कोई 30 सेकंड का अपना वीडियो डालेंगे, उन्हें भी इस ऑनलाइन कंपटीशन में शामिल किया गया है। लोग इससे भी जुड़ रहे हैं, घरों में रहकर कसरत और योगा कर रहे हैं। घरों से बाहर निकलते थे वो कुछ हद तक कम हुई है, मैं मानती हूँ 40 से 50% हमारी मुश्किलें आसान हुई है, लोग कम आ रहे हैं, लोग अपने घरों के अंदर बैठ के लाइव सेशंस को देख रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एक्सपर्ट से, एक्सपर्ट्स उनके क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि शुरुआत में तो हमने बड़ी हस्तियों से रابطہ करने की कोशिश की, लेकिन अब काफी हस्तियों से जुड़ने के कॉल भी उनके पास आ रहे हैं। ऐसे में तेजस्विनी गौतम की इस पहल की सब तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की पासदारी करने में तेजस्वी गौतम ने जबरदस्त नुस्खा निकाला है जिससे हर कोई जुड़ रहा है। नरेंद्र सिंह राठौर, जी मीडिया।